जैसे लास्ट वीडियो के अंदर हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल सारे देखे थे, इस बार हम के टाइप्स पर चलते हैं। तो फर्स्ट टाइप लेते हैं असर्टिव टाइप। सिंपली अब आइडेंटिफाई कर सकते हो सेंटेंस को, अगर पीछे फुल स्टॉप दिया है तो समझना है कि सेंटेंस असर्टिव टाइप है। तो असर्टिव टाइप्स के अंदर जो नेसेसरी चेंजेस है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि सैड टू दिया है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में अगर सैड टू दिया है तो उसे दूर करने के लिए हम टोल्ड या तो इंक्वायर का यूज करेंगे। उसके अलावा सेंटेंस में से इन्वर्टेड कॉमा अगर दूर करना है तो हम उसकी जगह कंजक्शन के अप्लाई करेंगे, दैट अप्लाई करेंगे। क्लियर रखना माइंड के अंदर कि भाई सेट टू की जगह हमें टोल्ड यूज करना है या तो कोई इंक्वायरी करते हैं तो इंक्वायर लिखना है। और यू हैव टू मस्ट अप्लाई टू रिमूव द याद रखना इन्वर्टेड कॉमा मस्ट अप्लाई दैट। ओके, स्टार्ट द फर्स्ट सेंटेंस। पलक सैड टू हिरन, हियर आई शैल ब्रिंग योर बुक टुमोरो। तो इन्वर्टेड कॉमा में हमें जो स्पीच दी है वो आई शैल ब्रिंग योर बुक टुमोरो दी है। तो जो नेसेसरी चेंजेस है वो हमें याद रखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैड टू की जगह पर क्या यूज करेंगे, टोल्ड। तो पलक टोल्ड हिरन दैट, इन्वर्टेड कॉमा दूर किया है तो दैट। अब यहाँ पर जो आई है तो आई क्या, जो यहाँ पर बोलने वाला प्रोनाउंस है वो यूज करना है। पलक है तो क्या यूज करेंगे, शी। और जैसे मैंने आपको बताया था सेल और वील का क्या यूज करेंगे, वुड। तो शी वुड ब्रिंग हर योर, यानी के हिरन तो क्या आएगा, हर। तो शी वुड ब्रिंग हर बुक टुमोरो का क्या होगा बेटा, द नेक्स्ट डे। क्या होगा, द नेक्स्ट डे। और एक चीज याद रखना, मॉडल ऑक्सिलरी जब भी यूज करेंगे उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ये याद रखना जरूरी है। नाउ द सेकेंड सेंटेंस, ही सेड टू मी आई शो यू यस्टरडे, यानी उसने मुझे कहा मैं आपको कल देख लूंगा, बराबर है तो देख लूंगी इस तरह से। तो यहाँ पर ही सेड टू की जगह क्या यूज करेंगे, टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा दूर करने के लिए दैट। आई यानी उसका प्रोनाउंस कौन है बोलने वाला लिखना है, अगर ही शी इट दिया है तो डायरेक्ट लिखना है, अगर कोई अलग से नाम दिया है तो जैसे हमने यहाँ पर आई का शी लिखा था उस तरह से, ऑलरेडी ही या शी दिया है तो वो ही हम लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही। और याद रखना ये शो यानी कि पास्ट टेंस है तो पास्ट का पास्ट परफेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही हैड सीन मी, क्योंकि यू है, यू की रिप्लेस में मी है या तो मी के रिप्लेस में यू है, तो हमेशा सेकेंड फॉर्म पर, यानी सेंटेंस में अगर सेकेंड में मी की ऑपोज में यू आता है तो हमको क्लियरली क्या लिख देना है, मी यस्टरडे, जिसका क्या होगा, द प्रीवियस डे। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, कभी कभी इस तरह से सेंटेंस दिया जाते हैं, टीचर योर सन डज नॉट फॉलो माई इंस्ट्रक्शन मिसेस शर्मा। तो यहाँ पर याद रखना बोलने वाला और सुनने वाला दोनों मौजूद है तो किस तरह से हम उसे सेट करेंगे। तो रूल्स के मुताबिक टीचर टोल्ड मिसेस शर्मा दैट योर सन, योर यानी सुनने वाला कौन है यहाँ पर, मिसेस शर्मा, तो क्या लगेगा, हर लगेगा, क्या लगेगा, हर सन। और जैसे ही मैंने आपको बताया था कि डू नॉट और डिड नॉट, डू नॉट और डज नॉट दिया तो उसका क्या होगा, डिड नॉट होगा, मैंने आपको लिखवाया हुआ है। तो हर सन डिड नॉट फॉलो माय, यानी यहाँ पर बोलने वाला कौन है, टीचर, या तो ही है या तो शी है, तो दोनों ऑप्शन मैंने लिखे हैं ही और शी के। तो यहाँ पर उसका प्रोनाउंस क्या आएगा, इज या तो हर इंस्ट्रक्शन। तो क्लियर, यहाँ पर आपको याद रखना है अगर आपके मन में टीचर शी है तो आप हर लिख सकते हो और ही है तो इज लिख सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, रवीना सेड टू रवि, इफ यू लिसन मी आई कैन एक्सप्लेन यू बेटर, अगर आप मुझे सुनोगे तो मैं आपको बखूबी अच्छी तरह से समझा सकता। तो सैड टू की जगह हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, टोल्ड। तो रवीना टोल्ड रवि दैट इफ यू, यू यानी कौन है यहाँ पर, रवि है,
तो उसका प्रोनाउंस क्या आएगा, ही, क्योंकि सामने वाले का है। तो इफ ही लिसन फर्स्ट फॉर्म यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, रूल्स के मुताबिक हमें जब भी डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करेंगे तो प्रेजेंट का पास्ट और पास्ट का पास्ट परफेक्ट करना है। तो लिसन का क्या होगा, लिसन और मी यानी बोलने वाला कौन है, रवीना, तो उसका प्रोनाउंस क्या आएगा, हर। तो ही लिसन मी, उसके बाद कॉमा और सेंटेंस फिर से आई है यानी बोलने वाला कौन है, रवीना, तो उसका प्रोनाउंस क्या यूज करेंगे, सी। कैन का क्या होगा बेटा, कुड, तो सी कुड एक्सप्लेन। अब सेकेंड टाइम यू आया, फर्स्ट टाइम आया था तो हमने क्या यूज किया था, हर लिखा हुआ था, याद रखना, रवि का ही फर्स्ट टाइम हमने ही लिया था, और सेकेंड टाइम फिर से बात हुई है तो क्या होगा, हिम यूज होगा, क्या यूज होगा, हिम और बैटर। तो सेंटेंस देखो, रवीना टोल्ड रवि दैट इफ ही लिसन हर सी कुड एक्सप्लेन हिम बैटर। खास याद रखना है आपको, फर्स्ट टाइम यू था तो हमने फर्स्ट प्रोनाउंस ही लिया, सेकेंड टाइम यू हुआ तो उसका सेकेंड प्रोनाउंस क्या लिया, हिम लिया, बराबर। तो यहाँ आपका assertive टाइप सेंटेंस खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे इंट्रोगेटिव टाइप पर बढ़ेंगे।